उसमें अनगिनत तशद्दुद हुआ। पंजाब के खिलाफ इन्होंने खुद पहली दफा पूरी कोशिश की कि दूसरी जगह से नफरत आए। इस्लामाबाद के साथ पंजाब का बॉर्डर बंद किया, केपी के साथ सारे रास्ते बंद कर दिए, कराची का रास्ता बंद किया, ग्वादर का रास्ता बंद किया, बलूचिस्तान के साथ पंजाब लगता है वो रास्ता बंद किया, इस्लामाबाद के यानी तीनों यूनिट्स वो और वफाकी यूनिट के साथ रास्ते बंद किए, जीटी रोड बंद किया, गुदरगाहें बंद की, मोटरवेज बंद की। ये सारा कुछ करने के बाद जो लोग जख्मी हुए हैं, आपके वजीर आजम इमरान खान ने फैसला किया जिसके सिलसिले में आज आपसे बात हो रही है। इस जुल्म को ना कौम माफ करेगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ करेगी, और इन कुर्बानियों को ना कौम भूलेगी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भूलेगी। मैं फैसले के चार बड़े नुकात, जो इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला किया है उसके मैं आपके सामने रखता हूं। पहला फैसला हमारा यह है कि जहां जहां छापे पड़े हैं, हम जो विक्टिम फैमिलीज हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, उनको सेंट्रल ऑफिस में नेहा वसीम एडवोकेट, उनका मैं फोन नंबर दे रहा हूं आपको, उस पर फुटेजेस भेजें, उस पर अपने नुकसानात भेजें, उस पर जो हरासा किया गया वो सबूत भेजें और अपनी कंप्लेंट भेजें। टेलीफोन नंबर है 03018549940। नेहा वसीम एडवोकेट, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में वो सारी शिकायत इस्लामाबाद में वसूल करेंगी। सेंट्रल पंजाब के लिए हसन नियाजी एडवोकेट, जो उनको ब्रूटलाइज भी किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान के वकील जो हमारे साथ हुए और जो भी मुत्तफिका बयानात आए और पूरे पाकिस्तान (3937183) साउथ पंजाब के लिए, यहां जिन घरों पे छापे पड़े हैं मैं दोहराता हूं, जो चादर और चार दीवारी पामाल हुई है उनके नुकसानात हुए हैं, तफसीलात भेजें, तस्वीरें भेजें, कंप्लेंट भेजें। तीसरे साउथ पंजाब के लिए ऑन अब्बास बप्पी साहब, उनका टेलीफोन नंबर है 03210321, आई रिपीट 6311333। केपी के लिए आतिफ खान, उनका टेलीफोन नंबर है 03005006789। हजारा रीजन के लिए आजम सवाती साहब सेनेटर, इन पे भी तशद्दुद किया गया, 03357516000। कराची जाने से पहले नॉर्थ पंजाब के नईमुल हसन आवान एडवोकेट हैं, 03005164042 उनका नंबर है, और जो 03005164042, आई रिपीट। इंटीरियर सिंध के लिए जस्टिस रिटायर्ड नूरुलक एन कुरेशी, और कराची के लिए अलीम आदल शेख साहब, इनके पास भेजें। उसके साथ ही जो हमारे सूबाई सुदूर हैं आईएलएफ के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, उनके दफातर और उनके नंबरों से राब्ता करें। उसके साथ ही हमारी जो डिस्ट्रिक्ट तंजीमें हैं आईएलएफ की, जिनके अंदर हमने बाकायदा तौर पे इस धरने से पहले हमने लीगल एड
वर्कर्स कमिटीज, यानी जिन वर्कर्स के साथ ज्यादती हुई है उनकी मदद के लिए, और कल भी हमने जेलम के अंदर बहुत ज्यादती हुई, झूठे पर्चे किए गए, और साथ ही उन पुलिस वालों के या वो लोग जो उनके घरों में आए, दो फोर्सेस काम कर रही थी आवाम को दबाने के लिए, एक पुलिस फोर्स थी, दूसरे गुल्लू भट्ट ब्रिगेड के लोग थे, आप देख लें गाड़ियां तोड़ने वाले सफेद कपड़ों में थे, पुलिस वाले को क्या जरूरत है कि वो वर्दी उतार के मॉब के पास जाएगा, वो गुल्लू ब्रिगेड के लोग थे, इसलिए उनके नाम भी भेजें और सारी डिटेल रखें। आज मैं दूसरे नुक्ते की तरफ जाता हूं, दूसरा नुक्ता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शेब साहब, मैं नाम ले चुका हूं,